अगर तुम लोग देखोगे वीडियो तो हमारे फेमस हो जाएंगे यार। तुम एक बार देखो तो सही, जितने सपोर्ट करोगे उतने हम फेमस हो जाएंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आपका रजनीश चौधरी हाजिर एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा, देखना ज़रूर, मज़ा आएगा सच्ची में, क्योंकि हम हर व्लॉग में मज़ा लाते हैं। तो जिसने नहीं देखा, देखना ज़रूर, मज़ा आएगा यार। आई होप अच्छा ही लगे आपको, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, और गलती में तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, जिससे मैं अगले व्लॉग में वो गलती नहीं करूँ। समझ रहे हो ना, सिखाओगे तो सीखूंगा, ये भी सही बात है। तो अभी अपन चल रहे हैं कोई काम से, पहले तो मम्मी का सामान लेके आना है, फिर चलेंगे अपन काम से कुछ, फिर देखते हैं क्या करना आगे। तो ये हमारा यहाँ वेट करते हुए, ओह इतनी चुनी तेरी कैमरा आते सकल के घुमा लेता, लफड़ा क्या है? कैमरे में कोई सेटिंग वेटिंग है क्या? नो फोटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ्स। ओह या सॉरी सॉरी सॉरी, ले फटाफट चाय ऑर्डर कर। ओह मैन, तो भाई अब आए हम बर्तन खरीदने, और बर्तन हम इसलिए खरीदने आए हैं क्योंकि हमारे पास घर पे चाय बनाने के लिए केतली नहीं थी, भगोना नहीं था, तो बर्तन खरीदेंगे, भगोना वगैरह लेंगे। हमारा दोस्त ही है तो अभी आ रहे हैं हमें बर्तन देने के लिए, और किसी बर्तन से हमारे घर वाले मारेंगे हमें, ये भी सही बात है। और आज बारिश का मौसम है पूरे दिन भर, मौसम दिखाऊंगे आपको। सर्दी में बारिश अच्छी नहीं रहती, पूरे दिन से भीग रहे हम। और अंकल जी कैसा है? बढ़िया। तो अंकल जी हंस रहे हमको देख के, क्या कर रहा है ये लड़का? तो आते हैं भैया, फिर मिलवाता हूँ उनसे आपको भी। One hour later. और मामी जी और बेटा बस। तो ये भाई पूरी जैकेट गीली हो चुकी है, ये देखो दिख रही नहीं हो गई कैमरे में, लेकिन पूरी गीली हो चुकी है। मेरी दूसरी जैकेट कहाँ है? अब मैं शायद हुडी पहन लेता हूँ, या ये वाली पहन लेता हूँ ना, हुडी मस्त लग रही है, तो ये हुडी पहनता हूँ। देख लो हुडी मस्त है ना, है फटी पुरानी लेकिन काम चला हुआ है बारिश में, तो बारिश में अच्छी जैकेट नहीं पहननी चाहिए। और जो पहले वाली पहना था वो तो और ज़्यादा गीली हो गई, तब यही पहन के काम चलाना पड़ेगा। तो जैकेट पहनता हूँ फिर मिलता हूँ। तो तुम्हारा भाई जैकेट पहन लिया है और चाय की थड़ी पे बैठा है, तो अभी भाई चाय ला रहा है। तो आज एक शख्स से मिलाऊंगा जो, मतलब देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये बंदा एक्टिंग करेगा है ना उसकी जैसी, और आपको कमेंट में बताना है कि वो किसकी एक्टिंग थी, ठीक है? और मूवी का भी याद रखना कि कौन सी मूवी का डायलॉग है और कौन सा क्या है, मतलब एक तरीके से गेम मान लो और चैलेंज मान लो इस चीज़ को कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अरे चुप हो जा, मतलब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बंदा डायलॉग मारेगा और पूरे पूरा डायलॉग मारेगा पूरा, और आपको पता नहीं मारूंगा, अपने के ही बोलूंगा मैं तो। चलिए बंदा हमको लेके बोलेगा, एक दो हिंट दे देना यार। तो हाँ ये हिंट दे देगा आपको, फिर आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी का डायलॉग है और कैसा क्या सीन था वहाँ पे, क्या था, क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करें। तो ये चैलेंज है आपको कि आपको बताना है कि मूवी का नाम कौन सा है और कौन सा हीरो का डायलॉग है और कौन कौन थे वहाँ पे उस टाइम उस सिचुएशन पे। तो ये सब समझ जाओ यार आप, बस मेरे को मेरे से रहा नहीं जा रहा, ये मुझे भी करके दिखाया तो मैं खुश हो गया इसकी एक्टिंग से, तो इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, ठीक है? तो ठीक है, तो इस चीज़ को तैयार करते हैं, तैयार नहीं सॉरी, इस चीज़ को चालू करते हैं। तो चालू कर विष्णु भाई, रेडी? सब ने नकाब के बांधा ये बाबे आवाज़ निकालने के लिए नहीं फिर। अरे मियाँ हमने नकाब इसलिए बांधा है कि थोड़ा चेहरा वगैरह नहीं दिखे हमारा, क्योंकि लोग बाग आ जाए भाई, डायरेक्टर वगैरह आ जाए, नहीं डायरेक्टर वगैरह आ जाए कि हमारे मूवी में काम करो, ऑटोग्राफ मांगे लोग बाग, तो थोड़ा चेहरा वेरा सरवाना पड़ता है ना। तो स्टार्ट करते गेम, चलो। तो विष्णु जी एक दो डायलॉग मारिए और हमें बताइए। यार क्या डायलॉग मारे, ये देखेंगे नहीं वीडियो तो डायलॉग कहाँ मारे? अरे नहीं देखेंगे देखेंगे, इधर आप लोगों ने सपोर्ट किया उधर हम फेमस। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही होगा मिया। चलो मिया देखो बात ऐसी है, हम बात कर रहे हैं एक मूवी की एक डायलॉग की, ठीक है? मतलब मिया आपने बोला और हम ये आपके बंदे हिंदुस्तान पहुंच गए, ये डायलॉग है उस मूवी का। अब आप देख करके बताओ कि ये कौन सी मूवी का है। अब आप थोड़ा पूरा डायलॉग मारिए उसका। आपने वजन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है नोटों का कि अब तो हम सीट से उठ भी नहीं सकते। आपने कहा मतलब आपके बंदे हिंदुस्तान पहुंच गए, कैरेक्टर चेंज।
तुम लोग क्या समझते हो? अगर तुम लोग मेरे को इजाजत नहीं दोगे तो दारा हिंदुस्तान नहीं जाएगा, दारा सबकी फाड़ के जाएगा और सबको मार के जाएगा। आगे आगे लव बस हो गई। अब मियां भाई की स्टेटस कैरेक्टर चेंज हुआ। मियां हम तो आपकी खुशामदीद के लिए बोल रहे थे कि आप फालतू के चक्रों में फंसेंगे, इससे अच्छा है यहीं पे ही आप मामले को रफा दफा कर लीजिए, खत्म हो गई बात। कैसी लगी भाई की एक्टिंग? पता है ये खूबी भी बहुत कम कम लोगों में ही होती है। अरे यार यहाँ पे तो ना ये ट्रक आवाज नहीं आने देते, तो ये खूबी बहुत कम कम लोगों में होती है। और देखो हम तो है नकटे आदमी, बारिश हो रही है कुछ भी हो रहा हो हमको बाहर ढोलना है तो ढोलना है, घर के परेशान हो रहे हैं, हमारी हालत देखो, हमको खुद को शर्म आ जाएगी कि ये बार यही लोग बनाए ही बनाए, लेकिन हमको शर्म नहीं आती, हमें नकटे आदमी। तो भाई की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और प्लीज यार देखो हर चीज़ अलग अलग एक्ट है तो उसको एक्ट के अनुसार ही देखो उसको, मतलब भाई ने एक्टिंग करी कैसी लगी आपको पहले तो ये बताना है कमेंट में। और वही अगर तुम लोग देखोगे वीडियो तो हमारे फेमस हो जाएंगे यार, तुम एक बार देखो तो सही, जिस दिन सपोर्ट कर दोगे उस दिन हम फेमस हो जाएंगे। ये वाला भी बताना, अब देखो अब दो मूवी हो गई है, दो मूवी डालोगे ना तो ये दो मूवी हो चुकी है। और रजनीश ऐसे नहीं होता यार, दो मूवियों के मध्य ये कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे यार। नहीं पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ बतानी है आपको कि ये दो मूवी कौन कौन सी थी और कौन से हीरो की है और क्या सिचुएशन थी उस टाइम, तो प्लीज़ यार बताना। बाकी अब घर ही चलेंगे यार अब तो, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है, तो मैं घर पर ही बात करूँगा आपसे। कैसा लगा एक्टिंग बताना ज़रूर, लेके मैं तो खुश हूँ सच्ची में। तुम्हारा भाई घर तो पहुंच ही गया है सही सलामत, क्योंकि यार आज इतनी सर्दी हो रही है बाहर, इतनी सर्दी तो बता भी नहीं सकता मैं, इसलिए मैं बाहर ही बांध लिया था, ये ऐसे मत सोचना क्या बांध रखा है, क्योंकि इतनी सर्दी अब तो फिर भी खुल खा गया, तो देसी आदमी ऐसे चलता है हमारा। तो रही बात आज के दिन की, तो आज का वो लोग सिर्फ इसी पर डिपेंड था कि उस भाई की एक्टिंग पे, उस भाई की एक्टिंग दिखाना चाहता था मैं आप लोगों को कि कोई देखे यार उस बंदे को भी। तो सबसे पहले तो ये बताना कि वो एक्टिंग कैसी लगी आप लोगों को। और देखो ये मत समझना कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी ये ऐसा कुछ भी नहीं कि हम कॉपी कर रहे हैं, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक उठाया है डायलॉग और चैलेंज करने के लिए आपको बोला था कि हाँ भाई कैसा क्या है। तो ये मत समझना कि आप लोग हम कॉपी कर रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हो वही कॉपी करके, तो ये सब सिर्फ एक चैलेंज के लिए किया था हमने आप लोगों के साथ कि हाँ भाई हम चैलेंज करना चाहते थे, तो हो गया साथ में। लेकिन भाई की मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ कि उस भाई की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, मैं वो वीडियो की बात भी कर रहा था कि दो तीन दिन में जो वीडियो आने वाली है वो लेट होगी, लेकिन लेट आएगी, लेकिन वो इसी पर्पस से बनेगी। 6-7 कैरेक्टर है जो फेमस कैरेक्टर है उनको उठाएंगे हम, और जिसमें रोस्ट भी है, वीडियो भी है, एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है और व्लॉगिंग भी है, सबसे इम्पोर्टेंट कि व्लॉगिंग भी है, तो यही दिखाने में हम, तो देखते हैं अब कैसा क्या प्लान है। अभी तो चल रहा है मामला, क्योंकि सोच रहे हैं हम मोबाइल से शूट करें या कैमरे से शूट करें, यदि कैमरे शूट करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियरिटी, पता नहीं कैसा क्या सीन है। और मैं नहीं चाहता कि कैमरे से करें, मैं चाहता हूँ मेरे फ़ोन से शूट करें, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि नॉर्मल शूट है, देखते हैं कैसा क्या करते हैं वो, तो कोई बात नहीं। तो आज का दिन पूरे दिन ऐसा ही गया, और मैंने व्लॉग भी इसलिए छोटा बनाया था कि सिर्फ मैं ये दिखा पाऊँ आप लोगों को पहले, तो इसलिए छोटा व्लॉग बनाया आज। तो ये मत सोचना कि यार आज छोटा सा व्लॉग है, तो मुझे पता है वैसे सोचते तो नहीं है आप लोग, तो जो भी आता है आप लोग देख लेते हो, बस उसी में आपका प्यार है, मैं इसी में खुश भी हूँ कि आप लोग मुझे जितना थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो खूब है यार मेरे लिए, तो ऐसे ही सपोर्ट करो, किसी दिन आगे भी चलेंगे अपन साथ साथ में और आपको भी साथ रखेंगे। आज का दिन का पूरा पूरा व्लॉग ही इसी पर डिपेंड था एक्टिंग पर, और वो कमेंट में बताना जरूर यार, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो कमेंट में बताओगे आपकी वो एक्टिंग कैसे लगी और कौन सा डायलॉग था, कौन सी मूवी थी, ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। देखो तीन चीज़ बतानी है, कौन सा डायलॉग था, कौन सी मूवी है और कौन से हीरो की है, ठीक है, ये तीन चीज़ें ये आप लोगों को बतानी है कमेंट में। कुछ देने के लिए तो है नहीं, देखो जो गिव अवे करूँ मैं, तो देखते हैं बाकी कुछ करेंगे तो सही, जिस चीज़ का सही आंसर हुआ तो अगले व्लॉग में उसका नाम भी लिया जाएगा, कि इतना बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन कोशिश करेंगे कि उस बंदे को थैंक्स बोलेंगे कि हाँ भाई आपने सही जवाब दिया था, तो देखते हैं बाकी क्या है।
और बाकी आसान है, इतना कठिन भी नहीं है कि आप लोग सोचो यार। पहला टास्क आसान ही था, तो बाकी जो नेक्स्ट वाला आएगा वो मुझे कंफर्म पता है कि आप लोग में से बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे कमेंट में कि हाँ ये वाला था सीन। देखते हैं, बाकी ये वाला टास्क जरूर पूरा करना आप लोग, कि कौन सा डायलॉग, कौन सी मूवी, कौन सा क्या, बार बार बताऊँ, आप लोग समझ गए हो ना बस, तो कमेंट में पक्का बताना। इस व्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, और यदि व्लॉग अच्छा लगता है प्यार से लाइक जरूर करना, कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कभी भी ठान लिए बात हम होए कामयाब एक दिन।